ये मुझे बहुत क्यूट लगा, इसका बड़ा साइज भी आपको मिल जाएगा। मसाले या कुछ भी रखोगे ना, ये बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक करके जब मैं इसको ऑर्गेनाइज करूंगी। हां ये तो मैंने ठीक है। কত কেজি নিতে পারছি? वेलकम टू सिंपली लक्ष्मीज लाइफ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बताइए कैसी हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। और अतनु को ना सुबह सुबह मैं लेके चल रही हूँ मार्केट, क्योंकि एक ऐसी चीज लाना है ना जिसके बिना मेरा सफाई ना कम्प्लीट नहीं हो रहा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज है। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। और हम लोग अभी रोला जा रहे हैं, अतनु का आज ऑफिस डे है, तो इसके लिए मैंने बोला चलो सुबह सुबह, मतलब अतनु से पूछा कि आप कब फ्री हो, तो अतनु बोले जितना सुबह हो सके चलते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं रोला, है ना। हाँ, और आज धूप, मतलब इतना तेज धूप है ना, अतनु का दिमाग काम नहीं कर रहा आज। हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं जितना चाहे मतलब वॉश करूँ तो सारा कुछ सूख जाएगा। तो चलिए चलते हैं रोला मार्केट। और कृति अपना क्लास कर रही है, क्योंकि उसका चल रहा है क्लासेस एग्जाम के बाद। अभी दो तीन दिन क्लास होगा, दो नहीं, आज और कल। आज तो क्लास है बस, आज बस ना। हाँ, कल से उसका हॉलीडे स्टार्ट हो रहा है, तो उसका हॉलीडे पे उसको रख के निकल नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो बोली कि मम्मा जाना है जाना है। तो मैंने सोचा चलो आज ही ये काम कर लेते हैं। अभी तो बहुत सारा काम जो है वो लिस्ट में है। We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. नोकुल दाना दो पैकेट नहीं है। और ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल का बहुत सारा सामान मिल जाएगा, जैसे सोना मूंग, सोना मसूर की दाल और बहुत सारे जो मिक्सचर के ब्रांड्स हैं वो सब मिल जाएंगे। और एक्चुअली हम लोग मेन आए थे यहाँ पे, जो लैडर आप देख रहे हो ना, ये सब लेने के लिए। बट फाइनली हम लोगों ने प्लान कैंसिल किया, क्योंकि इसका जो हाइट है हमारे कार से भी ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हम लोग लेके नहीं जा सकते हैं। तो फाइनली ये लेने का जो प्लान है वो कैंसिल है। एक्चुअली ऊपर क्लीन करने में ना बहुत मुश्किल होती थी, तो इसीलिए सोच रहे थे, बट नहीं अभी तो पॉसिबल नहीं है इसको लेके जाना। और अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। एक्चुअली यहाँ पे ना मुझे कृति के रूम के लिए एक बेडशीट लेना है, तो जो मैंने लास्ट कृति का रूम का जो मेकओवर वाला ब्लॉग शेयर किया है, वहाँ पे जो बेडशीट मैंने यूज़ किया है वो मैंने रोला हाइपर मार्केट से लिया है। और इसका लिंक मेरे पास नहीं है, तो मैं इसका लिंक तो शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जो फ्रेंड आसपास में हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। और ये एक्चुअली इसका कुछ ऑफ़र चल रहा था, मतलब बाय वन गेट टू इस टाइप का, अगर आप चाहो तो एक भी ले सकते हो। जैसे हम लोगों ने एक ही पीस लिया है, ये एक्चुअली हम लोगों को पसंद आ गया कृति के रूम के हिसाब से, तो इसीलिए हम लोगों ने ले लिया है। तो इसके लिए सॉरी, आप में से बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे बोला है कि इस बेडशीट का लिंक शेयर कीजिए, लेकिन मैं इसका लिंक शेयर नहीं कर पाई, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। फाइनली हमारा शॉपिंग कंप्लीट हो गया है ना। हाँ, कंप्लीट कहाँ हुआ, जिस चीज़ के लिए आए थे वही तो नहीं ले रहे। वही तो नहीं ले रहे एकदम नीचे आ जाता। और यहाँ पे ना बंगाली मैगजीन देख के इतना अच्छा लगा, मतलब पूजा के टाइम पूजा का कलेक्शन वगैरह देखने के लिए, क्या फैशन चल रहा है, क्या मतलब इस बार के पूजा में क्या न्यू है, ये सब देखने के लिए ना मैगजीन खरीदना तो मतलब एकदम क्या बोलूँ, मस्ट था। लेकिन अभी क्या ना, अभी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी जगह से हम लोग जान सकते हैं कि पूजा के टाइम क्या चल रहा है क्या नहीं, तो इस टाइम पर ना मैगजीन बहुत अच्छा लगता है दिखना। तो फाइनली मैगजीन देख के बहुत अच्छा लग रहा है।
और मार्केट से आने के बाद ना मैं कृति के रूम पे आ गई हूँ और हम दोनों मिलके कृति का जो बेड है उसको दूसरे साइड में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसा लगेगा, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ कृति का रूम का कुछ चेंजेस, तो वही चल रहा है। कितना भारी है? एकदम हल्का एकदम हल्का है ना? एकदम हल्का, पता नहीं इतना भारी क्यों है, अंदर का सामान भी खाली सॉलिड वुड है ना। हाँ, इसलिए एक्सरसाइज हो गया बिना बाहर जाए डबल एक्सरसाइज डबल एक्सरसाइज हो गया। और कृति के रूम को ठीक ठाक करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जो सामान मैं लेके आई हूँ उसको ठीक ठाक करके रखना है, नहीं तो घर ना पूरा फैला रहता है। और ये जो कोलगेट का चारकोल पेस्ट है ना, ये हम लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, ये हम लोगों ने दो एक साथ लिया है, देखते हैं कैसा है, मतलब पता नहीं अभी कैसा होगा। और ये साथ में दो किचन टॉवल भी लिया है। अभी सारा सामान मैं अपनी अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। फाइनली कृति का रूम क्लीन करने के बाद ना थोड़ा सा मुझे टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि ये सारे जो सामान मेरे आए हैं इसको थोड़ा ओपन कर लिया। मैंने ना किचन को ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए कुछ सामान ऑर्डर किया था ऑनलाइन से, ज्यादातर ग्लास के हैं, तो वही मुझे चेक भी करना है, तो फाइनली मतलब आज मुझे टाइम मिला है तो मैं सोच रही हूँ कि इसको कर ही लूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। ओके, तो ये मैंने कुछ कंटेनर ऑर्डर किया था ग्लास के, तो वही सब आ गए हैं, एक बार चेक कर लेती हूँ। ओके, तो ये मैंने कुछ कंटेनर ऑर्डर किया था इस साइज का, दिखाती हूँ, चलिए ये इस साइज का है कंटेनर, तो जस्ट ये ग्लास के हैं और इसका कैप जो है ऐसे डिजाइन का है, तो एक बार सब कुछ चेक कर लूँ। तो ये ना एक दो तीन 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 नौ दस पीस का है, और ये मैंने 10 मंगवाया था 10 पीस का, तो ये एक सेट में आया है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, इसका प्राइस भी आप लोगों को पता चल जाएगा। इसको ना साइड में रख देते हैं, ये कार्डबोर्ड अभी हटाना नहीं है, एक एक करके जब मैं इसको ऑर्गेनाइज करूंगी तो एक एक करके सामान को मैं रखूंगी। ये ना मैंने मसाला रखने के लिए ऑर्डर किया था, और ये ना विजिबल होता, मतलब अंदर से दिखता तो ज़्यादा अच्छा था। ये कुछ इस टाइप का है, इसका ये एक कटोरी है, यहाँ पे एक स्पून भी है। ये ना एक्चुअली मुझे इतना पसंद नहीं आया है, क्योंकि मुझे लगा था ये ग्लास का होगा, और मेरा जैसा था ना वो क्या था कि ये ग्लास का था और ये ट्रांसपेरेंट था, मतलब मुझे दिखता था कि मसाला कितना है कितना नहीं, उसको मुझे खोल के देखना पड़ेगा अभी। और ये कलर भी मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब एक सिल्वर कलर के साथ ये व्हाइट ना कुछ जम नहीं रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं रिटर्न करूंगी। ये मैंने बोरोसिल का कुछ कंटेनर मंगवाया था, जो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना पसंद आया, मैं सोच ही रही थी कि दिवाली के टाइम के लिए मैं मंगवाऊंगी, तो ये मैंने फाइनली मंगवा लिया है। और ये ना मैंने बहुत सारे पीसेस मंगवाए हैं, क्योंकि घर में मसाले की जो कंटेनर है वो तो ज़्यादा लगता ही है, और ये ना सबसे बड़ा साइज है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, हाँ इस बॉक्स कार्डबोर्ड के अंदर 10 पीसेस हैं। मैंने लगता है कि मैंने और एक ये कार्डबोर्ड भी शायद उसी का होगा, चलिए देख लेते हैं, लेकिन साइज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये एक्चुअली ना मैंने इससे छोटा साइज मंगवाया था, बट मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इसका साइज ऐसा होगा, ये कुछ इस साइज का है। तो ये मैंने मंगवाया था, मतलब ये नहीं मंगवाया था, इससे छोटा साइज मंगवाया था, बट मुझे ना साइज इतना पता नहीं था, तो मुझे लग रहा है कि इसको चेंज करके ना इससे छोटा वाला साइज मुझे लेना है। और इसका साइज मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है, मैं इसका लिंक दे दूंगी और साइज भी मेंशन कर दूंगी। तो कंटेनर मैंने मंगवाया है, ये इस टाइप का है, ग्रीन वाला कैप यूज करते हैं, ये इस टाइप का है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन इसको मैं फ्रिज में यूज करने वाली हूँ, और ये प्लास्टिक का है, बट अच्छा क्वालिटी है, क्वालिटी वाइज ये अच्छा है, सो इसको मैं फ्रिज में
यूज करने वाली हूँ और ये मैंने 4 पीस ऑर्डर किया था। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये ना आप जो देख रहे हैं ना, ये बहुत ही क्यूट है। ये एक्चुअली आपका लेफ्ट ओवर कुछ फ्रूट रह गया, कुछ कटा हुआ एप्पल वगैरह, कटा हुआ आलू ऑनियन वगैरह रह गया, तो आप इसमें ना रख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा दिखने में। वैसे तो आप कैंडी रखने में भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये मुझे बहुत क्यूट लगा, इसका बड़ा साइज़ भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से खुलते हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये कुछ भी आप रखोगे ना, ये और ये ग्लास के हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इसका साइज चेक कर सकते हो और इसका प्राइस भी आप लोगों को वहां से पता चल जाएगा। और ये इस टाइप का है, कुछ भी आप पिकल वगैरह रख सकते हो, कुछ भी मसाले या कुछ भी रखोगे ना, ये बहुत अच्छा लगेगा दिखने में और बहुत ही यूनिक है ये। ओके, तो ये कुछ शॉपिंग मैंने किया है और अभी से इसको मतलब चेक कर रही हूँ ताकि मैं इसको रिटर्न भी मतलब रिटर्न करने के बाद उसको फिर से लाने में टाइम लग जाता है। और बस ये था आज का हमारा व्लॉग, कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताना। और फर्स्ट टाइम प्रीति हमारे आज के व्लॉग में आ रहे हैं, बहुत दिनों बाद बहुत दिनों बाद नहीं, अभी तो मतलब व्लॉग शेयर करती रहूँगी, काफ़ी दिन थोड़ा बहुत बिजी थी तो इसके लिए थोड़ा मतलब फॉर्मल वीडियो जा रहा था, है ना। लेकिन अभी आएगा व्लॉग, आप लोग बहुत मिस कर रहे हो, बहुत बोल रहे हो, डेफिनेटली मैं मतलब हम तीनों जब तक नहीं आते हैं ना, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना, स्पेशली कृति। तो अभी कृति आएगी व्लॉग में डेली, है ना। ओके, तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जी हाँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाला है बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, क्योंकि अभी आ रहा है फेस्टिवल में तो आप सब इंजॉय करेंगे ही और साथ में हम सबको भी ले लेना, है ना। हम तीनों भी आप सबके साथ एंजॉय करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड बी सेफ।